नमस्कार दोस्तों भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप स्वागत करता हूं दोस्तों शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़े अपडेट लेकर आए हैं कि टी, नया संशोधित विज्ञापन और सत्तावन हजार नए शिक्षक भर्ती को के लिए संघर्ष और जूनियर शिक्षक भर्ती में चौबीस पद सर्जित विज्ञापन पदों की संख्या में बदलाव विवाद और उन शिक्षक भर्ती की पच्चीस सीटों पर कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों की काउंसिल मुख्यमंत्री छत्तीस हज़ार पाँच विद्यालय आमंटल और थर्ड काउंसलिंग सूची दोस्तों इन सभी न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक करें कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य लेकर आते हैं दोस्त चलते हैं न्यूज की तरफ दोस्तों आप सबको बता चलें कि दिन प्रतिदिन विज्ञा, विज्ञापन और प्रिंट मीडिया में आप सभी को किसी न किसी भर्ती का विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलता रहता है अब दोस्तों सत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने ठोस कदम उठा लिया है कि सत्तर हज़ार भर्ती को भर्ती अब निकलवा के ही रहेंगे तो उसके लिए दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं ट्विटर वार भी हो रहे हैं दोस्तों आज भी इसी के साथ में दस से और एक बजे के बीच में बहुत ही बहुत ही बड़ा अभियान चालू का जो जो ट्विटर अभियान के नाम से ना नाम से है जिसमें अभ्यर्थियों तो की बहुत बड़ी जीत मिली आप सबको दिखाते हैं कि सभी ने ट्विटर अभियान किया कि पिछले एक वर्ष से यू पी टी टी और सी टेट की परीक्षा पास करके बेरोजगार बैठे हैं सरकार नई भर्ती शैक्षिक भर्ती का विज्ञापन नहीं कर रही है ऐसे में पात्र परीक्षा क्या औचित्य है कि सभी ने कहा है और देख सकते हैं कि कि जो ट्विटर अभियान दस बजे के समथिंग ये इकतीस नंबर पर चल रहा था इसमें देख देख रहा है कि सतीश जी रिलाइज यू पी आर टी और रिजाइन कि उसमें यह बोला गया है कि या तो सतीश जी पी आर टी का और यू पी आर टी का आप विज्ञापन जारी करो नहीं तो आप रिजाइन दो दोस्तों देख सकते हैं कि यह मतलब बढ़ चढ़ के अभियान में लिया गया और ये कभी इकतीसवें नंबर पर कभी तीसरे नंबर पर बढ़ चढ़ के भाग इसमें लग, लगा गया और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ये कभी कभी चौबीसवें नंबर पर भी चौबीसवें नंबर पर भी रहा और वहीं आप सबको बता चले सभी ने अपने जो मन की भड़ास सभी ने ट्विटर के माध्यम से मंत्रीगण तक पहुँचा क्योंकि आप सभी जानते हैं जितने भी नेता लोग होते हैं मंत्री होते हैं ये सभी ट्विटर पर ही रहते हैं ट्विटर पर ही सक्रिय रहते हैं ये कभी कोई आपकी फेसबुक या व्हाट्सअप कमेंट्स पर कोई ध्यान नहीं देते अगर इन पर ट्विटर बार किया जाता है तभी इनके संदर्भ में कुछ आता है और तभी इसी बात को संज्ञान में ये लेते हैं तो दोस्तों बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की जिसमें चौबीस हज़ार पद सर्जित हैं वो विज्ञापन की जो सीटें हैं उनमें बार बार आप बदलाव देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों आप सबको बताते हैं लगभग दो साल पहले से जूनियर भर्ती शिक्षक जूनियर शिक्षक भर्ती का आगाज हो चुका था तो कभी कभी उसमें पाँच हज़ार सीटें बताई जा रही थी कभी चार हजार सीटें बताई जा आप सबको दिखाते हैं दोस्तों आप सभी देखेंगे ये पी एम ये सॉरी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कि चार हजार शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा शीघ्र दोस्तों ये कभी हिंदुस्तान के माध्यम से चार पदों के लिए भर्ती विज्ञापन बात हो रही थी तो कभी कभी पाँच हज़ार शिक्षक भर्ती के लिए बात हो रही थी क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज खबर जब भी निकालते हैं जब पीएनपी के माध्यम से कोई सूचना मिलते है या कोई मंत्रीगण या कोई अधिकारीगण कहते हैं या कभी कभी स्वयं सतीश द्वे जी ने भी एक दो बार इनकी घोषणा भी की थी आप सब देख पाते हैं कि एडेड स्कूलों में एडेड स्कूल शिक्षक भर्ती करेगा आयोग आप सब देख सकते हैं इसमें लगभग पैंतीस पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन को इसमें जोड़ा गया है क्योंकि कभी पाँच कभी चार कभी पाँच ऐसी मतलब इसमें बढ़ के इसमें ले जाती किंतु आज जैसे ही और पिछले टाइम में एक बार ऐसी न्यूज भी आई थी लगभग चौबीस हज़ार पदों पर भी पदों पर शीघ्र भर्ती जिसमें तीन हज़ार बयासी एडिड स्कूलों में होगी और वह भर्ती कब होगी लगभग सौ छात्रों के पंजीकरण वाले स्कूलों में इनकी तैनाती होगी तो कभी चौबीस हज़ार की भर्ती के लिए आ रही थी दोस्तों किंतु ऐसा नहीं हुआ आज जो इसकी वास्तविकता है आज के दिखाते हैं कि आज देख सकते हैं कि खुशखबरी की एडिट जुड़ी हाई स्कूलों में अठारह चौरान अट्ठानवे सौ चौरानवे लगभग की उन्नीस सौ पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन की आज बात की जा रही है जो ये आज की ही ये न्यूज है क्योंकि आज की आज की जो मॉर्निंग की न्यूज आई थी उसमें हिंदुस्तान न्यूज पेपर ने इस इस कटिंग को देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर है जिसमें अठारह सौ पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकालने की बात की जा रही है लगभग दो साल में पद बढ़ने के बजाय पद घटते गट, घटते जा रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम में क्या होता था कि जो जूनियर हाई स्कूल थे बैक डोर से इनमें नियुक्ति पद दे देते थे किंतु अब ऐसा नहीं है शासनिक इस प्रथा को खत्म करके अब इस पर लिखित परीक्षा का आयोजन आय। होगा और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो आप देख सकते हैं कि दो साल में पद बढ़ने के बजाय इस पर पद घटते नजर आ रहे हैं और वहीं बात करें थर्ड काउंसिल को लेकर कि थर्ड काउंसिल कि जितने भी लखनऊ के आसपास के हैं सब अपने मंत्रीगण नेताओं और और तुम्हारे विधायक और सांसदों को पत्र में लिख रहे हैं कि जो सीट बची सीट सीटें हैं उनके लिए ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं देख सकते हैं कि ये भी विधायक जी हैं जिनको ज्ञापन दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है शंकर वर्मा जो कि विधायक विधायक हैं इन्होंने अपना जो उनहत्तर सिक्स बस्ती की जो सेठ सीटें सीटें हैं उनको मुख्यमंत्री संबोधित पत्र लिखकर उन जो बच्ची सीटें पर हैं उन पर आग्रह किया गया है कि जो सत्तानवे नब्बे के लिए आरक्षित सीटें हैं उन पर मतलब शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया की जाए दोस्तों ये आज देख सकते हैं ये आज की ही ये न्यूज है ये देखते हैं ये जो है उरई के ये विधायक हैं जो उरई के जो अभ्यर्थी उन्होंने ज्ञापन देकर इस भर्ती को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आग्रेस में किया गया है और आप सबको बता चलें कि लास्ट टाइम में अभी मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो सचिव के द्वारा भी एक लेटर जारी किया था जिसमें पीएनपी को आगे की जो इकतीस हजार छत्तीस पाँच सौ की सीटें पच्चीस सीटें हैं उनको आगे जोड़कर थर्ड काउंसिल कराने के लिए भी पत्र प्रेषित किया गया था और अब बात कर लेते हैं आपकी छत्तीस पाँच सौ नंबर को लेकर कि छत्तीस पाँच सौ के नंबर सुनने में ऐसा आ रहा है कि पच्चीस तारीख के बाद में आप सभी का विद्यालय आवर्टन होने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि पचतीस पार्स की जो है शीघ्र ही विद्यालय आवर्टन हो जाएंगे उसके पश्चात में जो थर्ड काउंसिलिंग है उसकी भी शीघ्र ही थोड़ा देखने के लिए मिल रहे है दोस्तों ये थी न्यूज जो हम आपके सामने लेकर प्लीज़ जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक करें कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें थैंक यू तो धन्यवाद आप सभी का भूपेंद्र सिंह